गाइस, मैं हूं शिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीशो की बेडशीट का आफ्टर वॉश रिव्यू। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, तो मैंने इसको 3 से 4 दिन अपने बेड पर डाल के रखा था एकदम फ्रेश। तो मैं वॉश नहीं करी, पहले यूज़ किया, देन इसको वॉश करूंगी। और कल ना मुझसे गलती से ये बेडशीट जल गई। मैं आयरन कर रही थी अपने कपड़ों पर, तो स्टैंड लगाने की जगह मैंने सोचा यार एक सूटी तो आयरन करना है, ऐसे ही कर लेती हूँ। और आयरन वो ऐसे साइड से टेढ़ी जो रख देते हैं उस तरह से रखी, लेकिन ये ग्लेज कॉटन था तो ये जल गई। और ये भी जली, इसके साथ जो मैट्रेसेस प्रोटेक्टर पड़ा हुआ था वो भी पूरा सीधा और मैट्रेसेस तक, मतलब इसका वो पहुंच गया, सब कुछ चिपक गया एक साथ, तो ये जल गई यार। तो ये मैं बोलूँगी, अगर आपके पास ये बेडशीट है प्लीज़ इस पर आयरन ना करें, सब कुछ जल जला जाएगा। वरना ठीक कर लूंगी, चलो यार डेली में डालनी है, मतलब थोड़ा सा रफू काइंड ऑफ करके हो जाएगा काम। अब मैं इसका आफ्टर वॉश रिव्यू शेयर करूंगी। वैसे तो बेडशीट्स मैं मशीन में ही वॉश करती हूँ, लेकिन क्योंकि हाथों से कर भी नहीं सकती, भाई मेरे अंदर इतना दम नहीं है लेकिन क्योंकि इसके पिलो कवर जो है वो क्विल्टेड है, तो इस तरह के ना मशीन में ख़राब हो जाते हैं। मैं ऑलरेडी अपने 2-3 कुशन कवर ख़राब कर चुकी हूँ मशीन में इस चक्कर में, तो इन्हें मैं हाथों से ही वॉश करूँगी। जो भी आप नॉर्मल डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो पानी के अंदर डालें, जैसा कि नॉर्मली करते हैं अब देखते हैं इसका कलर जाएगा नहीं जाएगा। वीडियो मैंने आपको अच्छे से शेयर किया था कि मेरा किंग साइज बेड है और ये किंग साइज ही बेडशीट थी, आई थिंक लिखा उस पर क्वीन साइज था, लेकिन अच्छी खासी लेंथ विड्थ में बेडशीट मुझे रिसीव हुई थी। और तब मैंने वीडियो में आपको दिखाया था कि मेरे बेड से कितनी कितनी एक्स्ट्रा थी। अब जब ये सूख जाएगी तब ये भी देखेंगे कि श्रिंक हुई है या नहीं हुई है। कलर तो मुझे ऐसा जिसका निकलता हुआ नहीं लग रहा, ये देखिए एज सच कलर तो इसका नहीं निकला। देखो थोड़ा तो इफेक्ट आया है, और वो तो आप तो कोई भी बेडशीट ले लो, मतलब इतना तो सब में निकल ही जाता है जो ये कॉटन या ग्लेज कॉटन टच होती है। मेरे पास सीरियसली मतलब मोस्टली ब्रांडेड बेडशीट्स हैं और वो भी 2-3 वॉश में ऐसे ही हो जाती हैं, तो एज सच इसका कुछ कलर नहीं निकल रहा है। बाकी मैं इसको क्योंकि डेली में यूज़ करूँगी तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार वॉश होगी, काफ़ी बार ये वॉश भी होगी, तब हम देखते हैं। और मेरी ये बेडशीट ज़्यादा गंदी भी नहीं थी, तो मैं थोड़ी देर बस इसको ऐसे ही रब करने के बाद पानी में निकाल दूँगी। और आप देखिए कलर इतना ज़्यादा नहीं जा रहा है, इतना हल्का फुल्का तो जाता ही है क्योंकि कलर डार्क है, आई होप विजिबल हो रहा होगा। मैं बेडशीट एक बार वॉश कर लेती हूँ। अच्छा वैसे एक चीज़ मुझे लगी ना, मतलब मुझे बेडिंग करने के बाद अच्छी लगी, अगर थोड़ा बहुत भी कलर जाता है तो मोस्टली सभी के पास न्यू बेडशीट और डेली की बेडशीट अलग अलग होती हैं, इस तरह की बेडशीट अपनी न्यू बेडशीट में यूज़ कर सकते हैं। लाइक कोई घर में गेस्ट वगैरह आए तब उसको डाल दें, क्योंकि एक प्रॉपर ना मतलब पूरा कॉम्बो था। कलर वही यार जितना कुशन कवर से गया, हल्का फुल्का ही कलर जा रहा है, सच तो नहीं जा रहा। अच्छा सबसे बड़ी बात यह, इस तरह की बेडशीट पर जो स्पॉट लगते हैं ना वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अभी मैं इसको थोड़ी देर सोकिंग के लिए रख देती हूँ। कॉटन बेडशीट पर अगर स्पॉट लगते हैं तो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाली हूँ कि जो इस टाइम मेरे बेड पर बेडशीट है, इसको मैंने मिंत्रा से लिया था और अच्छे खासे रेंज में मैंने इसको लिया था, हॉल वीडियो भी शेयर किया था। जब ये शुरू में 2-3 बार मैंने हैंड वॉश की, क्योंकि मुझसे भी ये था कि कलर ना जाए, तो इसका इतना ज़्यादा कलर नहीं गया। अभी मैंने मशीन में ये हार्डली 3 से 4 बार वॉश की है और इसका ना कम्प्लीटली कलर चला गया। आप ये देखिए पूरी बेडशीट का आप देखेंगे तो यार, कॉटन अगर हमें प्योर कॉटन यूज़ करना है और उसमें ब्राइट शेड्स हैं तो कलर जाएगा ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मीशो का ही कलर जाता है, मीशो बेडशीट का ही जाता है। और अभी जो मैंने और बेडशीट्स ली हैं उनका रिव्यू भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ मेरा घर फैला हुआ है, इसको इग्नोर करना। मैंने ना इसको 4-5 मिनट सोकिंग के लिए रखा और अब मैं इसको अच्छे से रब कर देती हूँ। देन सूखने के बाद हमें पता चलेगा कि इसका कलर कितना गया है, क्योंकि जब बेडशीट पानी में होती है तब ऐसा पता नहीं चल पाता, सिर्फ पानी को देख कर ही आइडिया लग जाता है। और ये आप पानी देख लो। सो अब मैं इसको एक बार अच्छे से पानी में निकाल लेती हूँ। कल मैंने इसको वॉश कर दिया था, लेकिन 2 दिन से ना बिल्कुल बारिश का मौसम है तो अच्छे से सूख नहीं पाई थी, आज ही सूख गई है। और ये देखिए इसका जो क्विल्टेड पोर्शन है एकदम ओके है, एकदम फाइन है। मैंने इसको मशीन ड्रायर किया था तो कलर एज इट इज है, बिल्कुल भी कलर इसका जो हल्का फुल्का गया है ना वो कलर पर इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये तो है इसके पिलो कवर,
और श्रिंक होने का भी मैं आपको दिखा दूंगी। अगर आपने मेरी वीडियो चेक की होगी तो मैंने आपको दिखाया था कि बेड के चारों तरफ इसकी विड्थ बहुत अच्छी थी, बेड के चारों तरफ काफी ज्यादा निकल रही थी। और ये है देखो बेडशीट, बिल्कुल सही है, इसका कलर नहीं मतलब कलर पर इफेक्ट नहीं पड़ा है। जैसे ब्राइट कलर है वो हल्का फुल्का जाता है, एक्स्ट्रा जो कलर होता होगा जो भी कुछ, आई डोंट नो, लेकिन बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है बेडशीट के साथ। और एक बार मैंने इसको ऐसे डाल के दिखा देती हूँ सो दैट ये क्लियर हो जाए कि श्रिंक तो नहीं हुई है। ये आप देखेगा बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुई है, जैसा कि पहले मैंने वीडियो में दिखाया था वो काफी बेडिंग करने के बाद काफी नीचे थी, अभी आप देखेंगे चारों तरफ से ये अच्छा खासा निकल रही है। तो आप इसकी बेडिंग इजीली कर सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट नो कि क्यों ये कमेंट्स आ रहे थे कि ये बेडशीट श्रिंक होगी, ये मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा दिया है, लाइव तो नहीं पर हाँ बिल्कुल सामने से ही दिखाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चारों तरफ से आप देखेंगे अच्छा खासा ये निकल रही है, ऊपर से मैंने काफ़ी स्पेस दिया हुआ है तो यहाँ से भी पैडिंग आराम से जाएगी। बाकी जो ये मुझसे मैंने बताया था कि मुझसे जल गई है, कि ये देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा कि कितनी सारी मुझसे ये जल गई है गलती से, तो इसको मैं रफू करके ठीक कर दूंगी, डेली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज ये बेडशीट आप इजीली ले सकते हैं अगर आपके घर में ओकेजनली, लाइक बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कॉटन बेडशीट डेली में नहीं बिछाते अपने बेड पर, तो ओकेजनली यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ऑसम है। सो गाइज गो फॉर इट, और जल्दी ही मैं जैसे जैसे यूज़ करती रहूँगी वैसे वैसे बेडशीट के आफ्टर वो शेयर करती रहूँगी। तो मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, घर पे रहें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ।